उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारकर फरार हुआ कुख्यात अपराधी विकास दुबे अब तक फरार है। यूपी पुलिस और एसटीएफ कानपुर से लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों और दूसरे राज्यों में विकास दुबे की तलाश कर रही है। इस दौरान कई जगह छापेमारी भी हुई। फरीदाबाद में हुई छापेमारी में पुलिस से छीने गए कई हथियार भी मिले हैं, जिसकी जानकारी खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कर्तव्य की बल वेदि पे आहुति देनी पड़ी तथा अन्य 6 लोग घायल हुए। उसके तत्काल बाद उस दिन सुबह ही एक साहसिक मुठभेड़ में 2 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और पुलिस के द्वारा लूटी गई, पुलिस से लूटी गई एक ब्लॉक पिस्टल तथा एक लाइसेंसी असलाह बरामद हुआ था। उसी क्रम में उस घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे गांव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। इस बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इस बदमाश के विकास दुबे के साथ सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, जो कि मीडिया ग्रुप में भी शेयर किए गए हैं। इसी क्रम में बीती रात एक अन्य अपराधी 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है तथा जहान यादव ये भी नामजद अभियुक्त है तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्यामू वाजपेयी, जहान यादव और संजू दुबे और गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ में श्यामू वाजपेयी घायल भी हुआ। ये कार्य प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर और उनके अन्य साथियों द्वारा किया गया है। इसी क्रम में फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम क्रमशः कार्तिकेय उर्फ प्रभात निवासी ग्राम बिकरू पुलिस स्टेशन चौबेपुर जनपद कानपुर नगर दूसरा अंकुर पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम काकूपुर पुलिस स्टेशन शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर हाल पता न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स हरिनगर नहर पार थाना खेरी पुल फरीदाबाद तथा इसके फादर श्रवण पुत्र खेरेश्वर निवासी उपरोक्त
को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2/3 की जुलाई की जो घटना थी उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल, जो कि एक थाना बिठूर और की थी, वो भी बरामद की गई है, तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन बदमाशों को पुलिस कस्टडी रिमांड लेके हमारी पुलिस आएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ के लगभग सभी पुलिसकर्मियों को स्थानीय चौबेपुर के हटा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त बीती रात गौतम बुद्ध नगर में एक्सप्रेसवे थाने तथा बिसरक थाने में भी क्रैकडाउन हुआ है, जहां इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार किए गए हैं, और बुलंदशहर में भी सियाना थाने के अंतर्गत इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार हुए हैं। मैंने कल भी प्रेस के साथ शेयर किया था कि कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे, और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।